तो आइए तीसरा भाग पढ़ते हैं। आप सभी मेरे पीछे पीछे पढ़िए। पहले तीन सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। तथापि सतत अभ्यास से उसमें भी सफलता होती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यह तक कि रेल की पटरियां बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी वाले तक का भी काम मैंने सीख लिया। फल अच्छा ही हुआ, अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह की एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। जब इंडियन मिड लैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब GIP रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए, वे मुझे भी अपने साथ झांसी ले गए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौण उस साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता थी। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी अधिक हो गई। धन्यवाद। इतना अभी के लिए।